बचपन में बहुत शांत था मैं, बड़ा इंट्रोवर्ट सा, शर्मीला सा, लेकिन लड़कियां मेरी ज्यादा दोस्त रहती थी, पता नहीं क्यों। अच्छा। हाँ, स्कूल टाइम से ही उनसे ज्यादा मेरी बनती थी। लड़के जो थे वो रिसेस होती है स्कूल में, टिफिन टाइम होता है, उसमें नीचे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते थे, और मुझे ये लगा रहता था कि मैं धूप में काला हो जाऊंगा या पता नहीं पसीना, फिर यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी, पता नहीं कुछ मेरी उस टाइम थी। तो मैं क्लासरूम में बैठ के ही खाना खाता था, हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त थे बॉयज में भी, लेकिन मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता था। और लड़कियों के बीच बैठ कर मुझे याद है, डेस्क पे यहाँ वहाँ सारी मेरी फ्रेंड्स थी। कहावत है ना कि गोपियों के बीच कैसा वो कहावत है, वैसा ही कुछ नहीं, सारी दोस्त थी, गोपियाँ तो नहीं थी। गाइस, दिस इज निखिल पितले, और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उनका नाम है अफ्ताब फारूकी, जिन्होंने हाल ही में गालिब और दीनदयाल जैसी फिल्में की है, वो भी एक एक्टर ही है। तो आ जाओ अफ्ताब। यही होता है जब घोड़ा घास से दूर देगा तो यही होता है। निखिल भाई, हमें आप अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करिए। चलिए आइए, हम मिलते हैं निखिल पिताले, जिसने गालिब और दीनदयाल जैसी मूवी की हुई है, और इनकी मूवी दीपावली में रिलीज होने वाली है। और भाई, एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ मैं। हाँ। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड की थी, जिससे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत की, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। और अच्छा, वो शॉर्ट फिल्म मैंने भी देखी, बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर वो शॉर्ट फिल्म देखिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऑडियंस से प्लीज सपोर्ट करिए, शेयर करिए, थैंक यू सो मच। आइए हम सर के बारे में, मूवी के बारे में जानते हैं। कैसे हैं निखिल भाई? बढ़िया, तुम बताओ? मैं भी बढ़िया हूँ। और बताइए क्या चल रहा है? हमारे सारे सवालों के जवाब है मेरे पास, बस इस सवाल का जवाब नहीं कि और बताइए और क्या चल रहा है। कैसा रहा सफर आपका अब तक? सफर अच्छा रहा, सफर अब तक इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा रहा। कई जगह पे अच्छा भी नहीं रहा तो मैं काफ़ी सीखा उसमें से। एक्चुअली होता है लाइफ में, शुरू में मैं सोचता था कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, फिर बाद में मैंने अपनी थिंकिंग चेंज की, फिर मैं सोचने लगा कि मैं इससे क्या सीखा। एग्जैक्टली, तो इससे काफ़ी फर्क पड़ा। कभी हर चीज़ों से आपको सीखने को मिलता है, ये है। एग्जैक्टली, आइए बैठते हैं निखिल भाई। बचपन में बहुत शांत था मैं, बड़ा इंट्रोवर्ट सा, शर्मीला सा, लेकिन लड़कियां मेरी ज़्यादा दोस्त रहती थी, पता नहीं क्यों। अच्छा। हाँ, स्कूल टाइम से ही उनसे ज़्यादा मेरी बनती थी। लड़के जो थे वो रिसेस होती है स्कूल में, टिफिन टाइम होता है, उसमें नीचे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते थे, और मुझे ये लगा रहता था कि मैं धूप में काला हो जाऊँगा या पता नहीं पसीना, फिर यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी, पता नहीं कुछ मेरी उस टाइम थी। तो मैं क्लासरूम में बैठ के ही खाना खाता था, हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त थे बॉयज में भी, लेकिन मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता था। और लड़कियों के बीच बैठकर मुझे याद है, डेस्क पे यहाँ वहाँ सारी मेरी फ्रेंड्स थी। कहावत है ना कि गोपियों के बीच कैसा वो कहावत है, वैसा ही कुछ नहीं, सारी दोस्त थी, गोपियाँ तो नहीं थी। हाँ, मतलब वही, मतलब आज भी दोस्त थे। और स्पोर्ट्स में ठीक ठाक था, तो स्कूल की किसी टीम में, फुटबॉल वुटबॉल की टीम में कहीं भी पीछे खड़ा कर देते थे। ये तो आप गेम का सिनेरियो बता रहे हैं, पढ़ने में कैसा? पढ़ने में मैं अच्छा था, बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन अबव एवरेज स्टूडेंट था, 75-80% वाला। अच्छा। हाँ, क्लास में टॉप 10 टॉप 15 में आता रहता था। फादर क्या करते हैं आप? पिताजी मेरे इंजीनियर है और डबल ग्रेजुएट है, और काफ़ी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही अच्छे है वो, तो उनके सामने हम कुछ नहीं दिखते। हालांकि मेरा छोटा भाई नीरज, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है। मतलब बैकग्राउंड आपका इंजीनियर वाला है, तो कभी फादर ने बोला ना कि इंजीनियर करो यार ये, मतलब फिर एक्टिंग की तरफ कैसे रुझाव? नहीं, वो चीज़ बोलने वाली थी ही नहीं ना, क्योंकि हमारी फैमिली में पहले से डिसाइडेड था यार बच्चा है तो इंजीनियर बनेगा, हमारी फैमिली में सारे इंजीनियर ही बनते हैं। तो 12th के जैसे ही मार्क्स आए, CET का रिजल्ट होता है, महाराष्ट्र की एग्ज़ाम होती है, उसमें मुझे लकीली कुछ अच्छे नंबर आ गए मेरे, ठीक ठाक आ गए, तो जिसकी वजह से मुझसे पूछा ही नहीं गया कि तुम्हें करना क्या है। मेरे फादर इतने एक्साइट हो गए, पापा मेरे,
यार अब तो ये MIT कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, औरंगाबाद में इसको जाना है। और चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बोल दिया। तो मुझसे पूछा नहीं गया, मैं हालांकि ज़्यादा खुश भी नहीं था कि कहीं एडमिशन मिला। हालांकि काफ़ी बड़ा कॉलेज था, ऑटोनॉमस कॉलेज था, तो एडमिशन मिला। लेकिन ज़्यादा देर में टिक नहीं पाया, 2-3 साल में घर आ गया वापस। इंजीनियरिंग सब छोड़ दी मैंने। मतलब किया इंजीनियरिंग की, 2 साल की, 3रे साल में छोड़ दी मैंने। बोला नहीं कि पापा मैं क्यों ये स्कूल टाइम नहीं करना है, ये चीज़ मैं हर साल बोलता था उनको। कैसा रुख आपने? जैसे सब लोग फोटोज डालते हैं फेसबुक पे, तो मैं डालता था, कुछ अच्छी लाइकिंग आ जाती थी तो दोस्त चने के झाड़ पे चढ़ाते, अरे तू तो हीरो लगता है, ये वो। मैं कभी सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था, योगेश राजपूत। आज भी उसका औरंगाबाद के पास एक छोटी सी जगह है गंगापुर, वहाँ पे उसके फादर पॉलिटिशियन है और उसकी खुद की जिम है आज। तो वो मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर रहता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और मुझे याद है कि इंजीनियरिंग मैंने 2 साल की, 2 साल में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हमने थिएटर में जाके देखी, और एक भी फिल्म का टिकट उसने मुझे नहीं निकालने दिया। मैं उसको हमेशा बोलता था, अगर अगली बार तू मुझे टिकट नहीं निकालेगा तो मैं नहीं आऊँगा यार। तो बोलता था, नहीं मेरी तरफ से। तो एक दिन हम कोई फिल्म देख रहे थे, मुझे याद है मेरे ब्रदर की दुल्हन, और उससे पूछा मैंने कि यार तू मुझे फिल्म देखने के लिए क्यों लेके जाता है हमेशा, क्या बात है? तो उसने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे अंदर एक एक्टर है, तुझे एक्टर बनना चाहिए। ये लोग जहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं बड़ी स्क्रीन पे, तो मुझे लगता है तुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और बड़ी सीरियसली उसने ये बात बोली। फिर उसके बाद मैं सीरियसली थोड़ा लेने लगा, लेकिन कुछ पता नहीं था, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। तो घर आने के बाद घर वालों को कन्विंस करना, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई बैकग्राउंड आपका भी नहीं था तो लोग ये कहते नहीं कि जन्नत की तरफ जाना होता है, कैसे आप कन्विंस? बहुत मुश्किल से हो गया कन्विंस। यानी मेरे पापा ने मुझे सबसे आसान और सबसे मुश्किल सवाल उसी वक्त पूछ लिया कि चलो कल से तुम अगर मुंबई में हो, चलो मान लेते मैं तुम्हें मुंबई के लिए अलाउ करता हूँ, कल से तुम मुंबई में हो तो मुंबई जाने के बाद सुबह उठने के बाद तुम क्या करोगे जिससे कि तुम एक्टर बन जाओगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो उनको इंजीनियरिंग स्टाइल में मैंने समझाया। मैंने कहा हम कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री मिलती है, उसके बाद कैंपस इंटरव्यू होता है, उसके बाद जॉब लगती है। तो मैंने एक्टिंग में भी ऐसा होता है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती है, उसके बाद हमारे ऑडिशंस होते हैं, उसके बाद फिल्मों में काम मिलता है। तो ये प्रोसेस मैंने उनको बताया, तो उनको शायद थोड़ा जेन्यून लगा। फिर हम मुंबई आए, फिर काफ़ी एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हमने घूमे, उसके बाद में एक हमने फाइनल किया और वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। उनको देख के कीड़ा लगा एक्टिंग में, या फिर उससे कभी ऐसा लगा कि नहीं मेरे अंदर है ऐसा? एक्चुअली मेरे अंदर वो चीज़ बचपन से थी, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि है मेरे अंदर। इंट्रोवर्ट था और कॉन्फिडेंस देने वाले भी मेरी कोई सराउंडिंग फ्रेंड सर्कल ऐसे नहीं थे जो मुझे मोटिवेट करते। तो मैं डांस में आगे था, मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतता था स्कूल में भी, और ये जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब कॉलेज में भी। लेकिन मैंने कभी ऐसे रियलाइज़ नहीं किया था अपने आप में कि यार मैं शायद इसीलिए अच्छा हूँ क्योंकि मैं एक्टर बनने वाला हूँ। तो वो जब मैं आया मुंबई और जब एक्टिंग इंस्टीट्यूट में वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें तो मेरे अंदर बचपन से है, तो मुझे कोई खास काम नहीं करना पड़ा इन क्वालिटीज़ को पाने के लिए। जैसा कि मैंने सुना है कि एक्टर की कहानी ऐसे होती है, लोग आते हैं अलग अलग स्टेट से, कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं, यहाँ वहाँ क्राउड के, कहते नहीं कि भीड़ से हट के काम करो तब आप बहुत आगे हो जाते हो। तो आपने, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि किस ईयर में आप मुंबई आ गए थे? मैं आया था 2014 में, आया था सितंबर में, आया था सितंबर। कब आपको पहली मूवी मिल गई? पहली मूवी मुझे ऑफर हुई थी तुरंत जनवरी में। मेरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट का कुछ कोर्स था, 5-6 महीने का था, वो पूरा होने से पहले मैं धीरज मिश्रा जी से मिला। 2015 की जनवरी फरवरी में मैं उनसे मिला, और वो एक फिल्म बना रहे थे उस टाइम पे, चापेकर ब्रदर्स, जो ऐतिहासिक कहानी है, फ्रीडम फाइटर्स है, महाराष्ट्र की शान है। तो उनमें से मुझे लगता है किसी 3 भाइयों की कहानी, तो 3 में से किसी एक भाई का रोल वो मुझे ऑफर कर रहे थे उस समय। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं अपने आप के ऊपर काम करना चाहता था। जाहिर सी बात है, आप चाहते हो कि एक आपकी पर्सनालिटी हो, आपकी लॉन्चिंग फिल्म थोड़ी सी रोमांटिक हो। और वो जो फिल्म थी वो फ्रीडम फाइटर की थी, हिस्टोरिक फिल्म थी, जिसमें मुझे गंजा भी होना था। तो मैंने कहा पहली फिल्म में गंजा होना है, और दूसरी तरफ मेरे एक्टिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मेरा पोर्टफोलियो भी बनना था, जो कि फ्री में वो बनवाते हैं। तो मैं पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा जिम और बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, उस वजह से पता नहीं मैंने वो फिल्म को मना कर दिया उनको। लेकिन हालांकि 2 साल बाद
उन्होंने ही मुझे गालिब दिया और उनकी फिल्म में दीनदयाल गालिब हो गई। तो इस मुकाम पे आने के बाद जब आप इस मुकाम पे हो जाते हो कि दो मूवी शायद दीपावली में रिलीज हो रही है, राइट? दीनदयाल शायद दिवाली के आसपास रिलीज हो रही है और गालिब हम फेस्टिवल्स में भेजने वाले हैं। अच्छा, तो वो थोड़ा उसके बाद हो। जब आप इतने एक मुकाम पे आ जाते हैं, जाहिर सी बात है फैन होते हैं आपके, फैन मतलब हाँ वो एक अभी हो गए पिछले कुछ छः महीने से देख रहा हूँ। हाँ, बातचीत हो गया? नहीं, शुरू शुरू में मैं बातचीत नहीं करता था, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था कि अभी तक मेरा काम बाहर आया नहीं है, ना तो किसी ने अभी तक मेरी परफॉर्मेंस देखी है, तो सिर्फ मेरी फोटोज और पता नहीं क्या देख के मेरे लोग फैंस बनते होंगे, मुझे समझ में नहीं आया शुरू में, तो मैं उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं करता था। लेकिन मेरे करीबी दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं तुम्हें उनसे एक बार बात करनी चाहिए, तो उनके काफ़ी मैसेजेस आते रहते थे, तो फिर मैंने जवाब देना शुरू किया। हमने बातचीत की अभी हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप से और इंस्टाग्राम पे ग्रुप से, और सब दोस्त की तरह फैमिली की तरह एक दूसरे के बर्थडे हम नहीं भूलते, मैं उनको विश कर देता हूँ, वो मेरा बर्थडे वही ये होना चाहिए। तो जब आप इस मुकाम पर आ जाते हो, आ ही गए हो, रिलीज भी हो जाएगी तो लोग भी जानने लगेंगे, दुनिया भी जानने लगेगी, हाँ आप भी एक्टिंग करते हो, आप भी एक अच्छा एक्टर। तो इस मुकाम पर आने के बाद जाहिर सी बात है कि जितने सपोर्ट लोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनसपोर्टिव लोग होते हैं जो आपसे चलते हैं, लेकिन कभी फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरी जर्नी एक है, जो मेरा स्ट्रगल है वो पर्सनल है, वो मेरा स्ट्रगल है, और किसी और को ये सोचना मेरी जर्नी की तरफ देख के कि काश हम भी वैसे होते या हम उससे अच्छे होते, मतलब ये बड़ी बेसलेस और पॉइंटलेस चीज़ें होती हैं। और एक्चुअली ये आलोचक जो होते हैं आपके करीबी होते हैं, कई बार आपके दोस्त होते हैं, कई बार ऐसे नए नए एक्टर्स मेरे संपर्क में आते हैं फेसबुक के थ्रू या कोई भी, कि भैया हमको थोड़ा सा गाइड कर दो, हेल्प कर दो, कहीं पर कास्टिंग हो रही है बता दो, तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। फिर जब उनको मुंबई में 2 महीने हो जाते, 2 काम कर लेते, तो उसके बाद में हवा में तो पता नहीं उड़ते हैं कि नहीं, लेकिन फिर वो मुझे एक्टिंग सिखाने लगते हैं। अच्छा। और मुझे बताने लगते हैं कि आपको किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, कैसे लगना चाहिए, आपका पोस्ट ये कैसा था, आपकी इंग्लिश कैसे ठीक होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जब इस लेवल पे आ जाता है तो फिर मैं उसमें पॉजिटिविटी नहीं देखता, हेल्दी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती उनके साथ, तो मैं अपने आप को उनसे दूर कर लेता हूँ, क्योंकि वही सबसे एक अच्छा जरिया है। और मैं फाइनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरा काम मेरे लिए बात करेगा। यू नो, आप चाहे जितनी मर्जी इंटरव्यू दे लो, बड़ी बड़ी बातें कर लो, लेकिन फाइनली आपने लाइफ में क्या काम किया, दैट मैटर्स, वो आपका स्क्रीन पे बोलेगा इंशाल्लाह। और जैसा कि नए नए एक्टर जाना चाहते हैं, उनका भी बहुत स्ट्रगल होता है, वो लोगों को फैमिली सपोर्ट होती है, तो जितने लोग व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो भी जो एक्टर हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने कोई फॉर्मूला बताइए जो भीड़ से हट के काम करें वो भी, और आप जैसे बहुत जल्दी सक्सेस, मतलब सक्सेस इन द सेंस कि मूवी एटलीस्ट उनको मिलने लगे, सरवाइव करने के लिए पैसे मिले। देखो, अच्छा हुआ तुमने ये सवाल पूछा, अच्छा सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है ना कि मुझे बड़ी जल्दी सक्सेस मिल गई है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के फैमिली से थोड़ा सा मनमुटाव वो सब करके मैं मुंबई आया एट द एज ऑफ 19 या 20 में कुछ आया था, और 3 साल के स्ट्रगल के बाद मुझे गालिब मिली है, और फिर उसके 1 साल बाद मुझे दीनदयाल मिली है, तो आज मेरी एज 24-25 हो गई है, तो ये चीज़ें अब दिख रही है, तो टाइम जाता है। ये जो 3 साल का जो समय था ना, वो बहुत मुझे लगता है टेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, अपने लुक्स पे काम करना है, लगातार आपको गेम में रहना, बने रहना है, आपको ऑडिशंस जाना है रेगुलरली, आपको लोगों से मिलते रहना है, और किसी से रिलेशन ख़राब नहीं करने, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करो, और बी योर सेल्फ। लोग ना बहुत प्रिटेंड करते हैं कि आजकल के खासकर नए एक्टर्स जो आते हैं कि उनके चश्मे नहीं उतरते, मतलब रात हो जाती है लेकिन चश्मे नहीं उतरते, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हमारे सेट पे भी काफ़ी ऐसे आते हैं, चश्मे नहीं उतरते, और उनका एक खड़े रहने का ढंग, बात करने का ढंग बड़ा बनावटी सा कुछ होता है उनका, उनको लगता है कि मैं अगर
दुनिया मुझे एक्टर कहलाए नहीं शाहरुख खान वैसा फील हाँ तो थोड़ा सा मुझे कुछ अलग टाइप का बिहेव करना चाहिए तो एक्चुअली जब आप वैसा अलग टाइप का कुछ बिहेव करते तभी आप फंस जाते हो आप इमेज बिल्डिंग के चक्कर में फंस जाते हो तो मुझे लगता है आपको अपनी एक्टिंग पे काम करना चाहिए सबसे पहले क्योंकि लुक्स एक एक्टर के लिए मैटर नहीं करते पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लुक्स अगर आप मॉडलिंग में जा रहे हो तो आपके लिए मैटर करते हैं एक्टर के लिए एक्टिंग मैटर करती है डांसर के लिए डांसिंग मैटर करती है तो एक्टिंग पे ध्यान दे अपनी वॉइस पे या जो भी होते हैं एक्सरसाइजेस वो सारे करें बुक्स पढ़े काफ़ी सारी आजकल बुक्स का ज़माना नहीं रहा मैं खुद काफ़ी कम बुक्स पढ़ता हूँ अच्छा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़े क्योंकि अगर मैं बुक्स नहीं पढ़ता तो मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ मेरी विजुअल मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग है अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूँ सुन लेता हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है तो अपने अपने तरीके बस सीखते रहो आपने अच्छा बताया उन बोलते हैं पोर्टफोलियो के लिए 15,000 दो 20,000 दो कुछ नहीं मिलता फिर चले जाते हैं वापस पैसे खर्चे करके कोई बहुत सारी कहानी तो मैंने सुनी कि घर से उनके फादर और पेरेंट्स लोग तो पूरा खेत में बेच के भेजते हैं और इधर फिर इतना बहुत ज़्यादा वो तो मतलब हद हो गई वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए देखो क्योंकि क्या है किसी भी प्रोफेशन में स्ट्रगल तो है ही आप चाहे क्रिकेट में चले जाओ मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ एकेडमिक में चले जाओ या अपनी इस फील्ड में आ जाओ तो स्ट्रगल हर फील्ड में मैं मेरा ये मानना है कि कम से कम 5 साल आपको अपने देने पड़ते हैं किसी भी काम के लिए तब जाके लोग आपका नाम जानेंगे फिर मुझे लगता है 10-15 साल जब आप दे देते हो अपना 100% और अगर आप उस लायक हो तो आपका नाम जरूर बन जाएगा उसके बाद तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं अच्छा लगा अब आ गया है वक्त रैपिड फायर भी है क्या इसमें अरे हमारा शो में सब कुछ रहता है हमारे शो में इसकी कोई दिक्कत नहीं है बट हाँ क्वेश्चन बड़े टेढ़े पूछते हैं रैपिड फायर में आपको बहुत सोच के जवाब देना होगा चलो देखते तो अब आ गया है वक्त रैपिड फायर का तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा हाँ हाँ जरूर सफर अब तक अच्छा यार Who do you admire most and why? I admire my father a lot, यार मैंने बहुत देखा काफ़ी लोगों को मैं ऐसे बीच बीच में एडमायर करने लग जाता हूँ लेकिन वो उस काबिल नहीं है मुझे लगता है मेरे फादर ही इज द किंग उन्हीं को मैं बहुत एडमायर करता हूँ और एक्चुअली उनसे मैं रोज़ सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ रोज़ सीखता रहता हूँ पता नहीं कैसे Second question, what would you do with your 15 minutes of fame? 15 minutes of fame? बहुत कम है तो मैं उसको कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो परमानेंट बन जाए दिया Which celebrity annoys you the most? Annoys me the most. रणवीर सिंह बहुत ज्यादा मुझे क्या बोलते हैं कोफ्त होने लगती है मतलब अनइजीनेस फील होने लगती है उसको देख के पता नहीं रेस्टलेस हो जाता हूँ मैं मुझे मैं फोन में देख रहा हूँ तो फोन बंद कर देता हूँ टीवी में देख रहा हूँ तो चैनल चेंज कर लेता हूँ पता नहीं इतनी एनर्जी मुझसे नहीं संभली जाती मतलब मैं थक जाता हूँ उसको देख के देखते उसको मैं थक जाता हूँ Have you ever tried to do something you know you would be really bad at and what was it? Acting? Yeah. शुरू में मैंने जब शुरू किया था मुझे याद है जब मैं एक्टिंग सीख रहे थे बहुत बुरा था बहुत वाहियात मतलब है कि एक एक्टर बनने की इच्छा और जब अपने आप को कैमरे पे देखते हो एक्ट करते हो तब आपको सारी खामियां दिखने लग जाती है अपने आप तो वहां से लेके अब तक तो आई थिंक इफ योर प्लेन वाज अबाउट टू क्रैश हु वुड यू वांट टू सिटिंग नेक्स्ट टू यू पीपल हु आर जेलस ऑफ मी मे बी वो मेरे बगल में बैठे मेरी और उनकी प्रेम कहानी वहीं पे खत्म हो जाए हमेशा के लिए मैं तो कुछ और सोच रहा था आपने कुछ और नहीं जवाब दिया उसका एंड सेकंड आई एम गोइंग टू से वन वर्ड एंड यू हैव टू नेम द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड राइट स्कूल फर्स्ट लव स्कूल स्ट्रगल एक्टिंग बॉलीवुड क्रश ऑफ कोर्स बेबो करीना कपूर फेवरेट मूवी फेवरेट फिल्म बदलती रहती है लेकिन काफ़ी है यार नहीं बोल सकता एक नहीं बोल सकता लेकिन मेरे फोन नहीं टॉप थ्री नहीं कह सकता मैं मेरे फ़ोन में आई थिंक ए दिल मुश्किल है पता नहीं क्यों फॉर अ स्ट्रेंज रीज़न उसका फर्स्ट हाफ जो फ्रेंडशिप
की जो बॉन्डिंग है वो मैं काफी बार बार देखता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रैंक द फॉलोइंग मूवी: कबीर सिंह, आर्टिकल 15, केसरी, उरी एंड गली बॉय। फर्स्ट ऑफ कोर्स कबीर सिंह और सेकंड गली बॉय, अच्छा परफॉर्मेंस था। थर्ड उरी, फोर्थ वुड बी कौन सी थी, आर्टिकल 15 एंड केसरी। एंड थैंक यू सो मच, बस हो गया, मिलके बहुत अच्छा लगा यार। ये अच्छा है यार, मतलब अच्छा फॉर्मेट है आपका, बातचीत करो और भागने का नॉर्मल चाल।